झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जेएमएम भी जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। इसी बीच झारखंड की गांडे विधानसभा सीट इस बार रोचक और रहस्यमयी दिख रही है, क्योंकि वर्तमान काल में कल्पना मुर्मू सोरेन इस सीट की विधायक है। साथ ही आशंका है कि कल्पना इस सीट से झामुमो की प्रत्याशी रह सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को धूल चटाई और हार का सामना कराया और 27,000 मतों से जीत हासिल कर ली। वहीं 5 महीने बाद अब फिर से कल्पना के सामने चुनाव की चुनौती आ खड़ी हुई है और इस बार कल्पना को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने मुनिया देवी को उनके सामने मैदान पर उतारा, जो खुद जिला परिषद की अध्यक्ष भी है। वहीं अगर मुनिया देवी के राजनीतिक सफर की बात करें तो आपको बता दें कि मुनिया देवी का राजनीतिक सफर साल 2010-11 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से हुआ था, जब वो जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य चुनी गई। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर को फुर्ती से आगे बढ़ाया और गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। साल 2022 में वो दोबारा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई और फिर से जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। आपको बता दें कि मुनिया देवी पहले जेएमएम में थी, लेकिन उन्होंने जेएमएम को दगा देकर पिछले साल बीजेपी का दामन थामा है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही सोमवार की शाम छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा और मुनिया देवी के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने फीता काटकर मुनिया देवी के प्रधान चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। मुनिया देवी को उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी की गहरी राजनीति छिपी हुई है। जेपी वर्मा की पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी को गांडे क्षेत्र में एक मजबूत कुशवाहा नेता की तलाश थी। वहीं कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी के ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि उनका मायका गांडे क्षेत्र में, जिससे उन्हें यहां मजबूत जन समर्थन मिल सकता है। साथ ही मुनिया देवी की सामाजिक और राजनीतिक पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया। वहीं गांव के एक वोटर ने कल्पना सोरेन के काम के बारे में बताते हुए कहा कि कल्पना सोरेन ने क्षेत्र में बहुत काम किया, वो उपचुनाव जीत कर आई। उन्होंने मात्र 5 महीने में जो काम किया वो 15 साल में नहीं हुआ। उन्होंने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया, साथ ही वो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो जरूर जीतेंगी। गांडे सीट अब झारखंड के चुनावी मैदान में एक हॉट सीट बन गई है। यहाँ 81 विधानसभा सीटों पर कुल 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। अब देखना यह होगा कि बाजी कौन मार पाता है, जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन या एक स्थानीय और जमीनी नेता मुनिया देवी। अब यह मुकाबला बेहद रोचक होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।